दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। आज मैं पहली वीडियो अपनी बना रहा हूँ। इट इज़ फॉर ऑल दी नीट एस्पिरेंट्स, जितने भी नीट के बच्चे हैं उनके लिए। और ये वीडियो बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं। इसमें यानी कि ये जो आज मैं जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बायोलॉजी सीरीज, दैट इज़ नीट बायोलॉजी की सीरीज है। मैं कोशिश करूँगा हर एक चैप्टर और हर एक टॉपिक को कवर करने के लिए, और बीच बीच में हम लोग MCQs को भी डिस्कस करेंगे। बच्चों मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग अगर इस वीडियो को प्रॉपरली देख रहे हो और इसको अच्छी तरह से गो थ्रू कर रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको हर क्वेश्चन का जवाब, यानी जो नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसको आराम से उसका आंसर कर सकोगे। ठीक है, तो लेट अस विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ द टाइम, लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो मैं पहली जो टॉपिक ले रहा हूँ, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये जो सेल साइकिल सेल डिवीजन वाली जो टॉपिक है, ना सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल जो टॉपिक है ना, ये बच्चों लोग ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस साल के एग्जाम में भी आप नीट के एग्जाम में देखोगे, तो अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन वेयर फ्रॉम दिस चैप्टर। और बहुत ईजी चैप्टर, बहुत ईजी क्वेश्चन। और जो 3 to 4 क्वेश्चन दिए थे ना, उसमें से 50% क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मोस्टली जो क्वेश्चन थे ये सेल साइकिल से ही रिलेटेड थे। ठीक है ना, तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक भी है, कुछ टॉपिक पूरी चैप्टर ही बहुत ईजी है, उसको हम लोग को खाली ध्यान से समझना है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। तो जैसे कि आपको पता है बच्चों कि वी ऑल आर मेड अप ऑफ, वी हम लोग जितने भी से हैं, हर एक इंसान, हर एक प्लांट्स, हम लोग सेल से बने हुए हैं। ठीक है ना, तो हम लोग सब सेल से बने हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे कि मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट, ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, एक जाइगोट फॉर्म करते हैं। और ये जाइगोट का जब सेल क्या करते हैं, ये जाइगोट के सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड करके अलग अलग डर्म लेयर फॉर्म करते हैं। अलग अलग डर्म लेयर फॉर्म करने के बाद में एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। सो दैट मीन्स ये क्या है बच्चों, ये गैमेट है, ये जाइगोट है। तो बच्चों हमको पता है कि गैमेट किससे बनते हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम मियोटिक डिवीजन। ये किससे बनते हैं, मियोटिक डिवीजन से बनते हैं। और फिर जाइगोट के जो सेल होते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म करते हैं, माइटोसिस से, मियोसिस और माइटोसिस से। तो माइटोसिस और मियोसिस क्या है, ये सेल डिवीजन है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, राइट है। तो सेल को जब डिवाइड करता है, जब सेल डिवाइड करता है, तो उसको सेल को डिवीजन करने के पहले कुछ प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो वो प्रिपरेशन करने के बाद फिर सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, या तो माइटोसिस से या तो मियोसिस से। तो इसका मतलब क्या है कि सेल को डिवाइड करने के पहले कुछ प्रिपरेशन की जरूरत रहती है। ठीक है ना, यानी एक घर है, एक घर को अगर डिवाइड करना, एक पेरेंट को अपने दो बच्चों को घर देना है, ठीक है, उनके उसकी हिस्सेदारी करनी है, तो लोग क्या करते हैं, पेरेंट क्या करेगा, सारी चीजों को क्या करते हैं, सारी चीजों को रिऑर्गेनाइज करेंगे और सारी चीजों को देखेंगे कि हर बच्चे को, जो दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चों को इक्वल चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इक्वल चीजें मिलने के लिए उनको पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा उस चीज का, यानी घर में एक टीवी है तो 2 TV, एक सोफा है तो 2 सोफा, और सेम टू सेम करना है। तो इस तरह से उनको प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसी तरह से सेल भी क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो इसका मतलब सेल को डिवाइड करना पड़ता है। अगर सेल डिवाइड नहीं होता तो आज हम लोग फॉर्म नहीं होते थे। ठीक है ना, तो फॉर ग्रोथ, तो सेल की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल की प्रॉपर्टी, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है ग्रोथ एंड दूसरी प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। पहली प्रॉपर्टी है ग्रोथ और दूसरी प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ही उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है सेल की, और उसी वजह से सेल क्या करता है, डिवाइड रीडिवाइड करता है, और इसी की वजह से लाइफ की जो लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है अर्थ के ऊपर वो अभी तक है, राइट है। तो ये आप लोग मेरे लेक्चर के टाइम पे, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। ओके डन। सो सेल की प्रॉपर्टी है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, राइट, यानी सेल को डिवाइड करना है। तो जब सेल को डिवाइड करना है बच्चों, तो उसको
कुछ चीजों से गुजरना होगा, कुछ चीजों से गुजरना होगा, राइट। सो तो हम लोग देखते हैं कि सेल, ये सारी चीजें डिवीजन होने के पहले, सेल जब डिवाइड होता है उसके पहले और उस वो पूरा साइकिल क्या है, वो किस चीज, कौन सी तरह का साइकिल है, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक चीज क्वेश्चन और आता है कि भाई सेल डिवाइड क्यों होता है, विच फैक्टर्स डिसाइड्स द सेल डिवीजन, विच फैक्टर्स, तो फैक्टर्स डिसाइडिंग द सेल डिवीजन, फैक्टर्स डिसाइडिंग द सेल डिवीजन, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सेल डिवाइड डिवीजन के लिए हेल्पफुल है, जो सेल को डिवाइड करने के लिए लगाते हैं। तो इसमें दो तीन दो थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहली जो थियरी है दैट इज कर्न प्लाज्म थियरी, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं कैरियो प्लाज्मिक थियरी। नाउ कर्न प्लाज्म थियरी या कैरियो प्लाज्म थियरी, ना बच्चों कर्न या कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक थियरी है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक थियरी है। एंड दूसरी जो थियरी है, सेकेंड थियरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस वॉल्यूम रेशियो, सरफेस वॉल्यूम रेशियो थियरी। तो ये दो थियरी, एक सरफेस वॉल्यूम रेशियो थियरी है और एक कर्न साइटोप्लाज्मिक या कर्न प्लाज्मिक या तो कैरियोप्लाज्मिक रेशियो थियरी। नाउ ये थियरी क्या कहती है, ये थियरी क्या कहती है, कर्न साइटोप्लाज्मिक थियरी क्या है, कर्न प्लाज्मिक थियरी क्या है, कि इफ अ सेल इन अ सेल, एक सेल है, ये सेल है, उसका न्यूक्लियस है, राइट है, वी नो द न्यूक्लियस कंट्रोल्स द एंटायर सेल, ओके। सो इफ द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस, इफ द वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस, तो जैसे ही साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है, एक स्टेज है, सेल छोटा है तो ठीक है, थोड़ा सेल जब ग्रोथ होता है तो साइटोप्लाज्म उसका इंक्रीज होता है, और जैसे साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा बट न्यूक्लियस की साइज वैसी की वैसी रहेगी, तो न्यूक्लियस क्या करता है, इसको कंट्रोल नहीं कर पाता, न्यूक्लियस इसको कंट्रोल नहीं कर पाता, किसको, साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, सेल की साइज इंक्रीज हो रही है, तो एक स्टेज ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें फिर वो सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, यानी कंट्रोल न्यूक्लियस का कंट्रोल पूरी तरह से नहीं रहता, इसके बाद वो सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कर्न प्लाज्म थियरी या कैरियोप्लाज्मिक थियरी, इसको हम लोग बोलते हैं AI इंडेक्स जो है, ओके, कर्न प्लाज्म कर्न इंडेक्स जो है इसका ये आएगा, कर्न इंडेक्स जो आपका है, तो इसमें क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ दी, ये जो सेल का वॉल्यूम है एंड वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म, सो वॉल्यूम यानी किसका, वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, सो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ अगेन न्यूक्लियस, ये रेशियो है, कर्न इंडेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी सेल में से आपने न्यूक्लियस को निकाल दिया तो क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, तो अदर दूसरा टर्म में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कर्न इंडेक्स रेशियो क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, तो जिसमें साइटोप्लाज्म कम रहेगा उसका कर्न इंडेक्स ज्यादा रहेगा, और जिसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा रहेगा उसका कर्न इंडेक्स कम रहता है, ठीक है। सो सरफेस वॉल्यूम थ्योरी, यानी इसको मैंने क्या बताया, देखो कि अगर ये थियरी क्या बोलती है कि अगर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म इंक्रीज होते जा रहा है तो ये न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाता, और एक स्टेज ऐसे आता है जिसमें उसका पूरा तरह से कंट्रोल निकलने लगता है, तब ये क्या करता है, वो सेल डिवाइड करता है, ये पहला है। नेक्स्ट आता है आपका सरफेस वॉल्यूम रेशियो थ्योरी। नाउ सरफेस वॉल्यूम रेशियो थ्योरी क्या है बच्चों, अगेन सरफेस यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इंक्रीज इन, यानी यहाँ पे भी क्या आएगा, सेम आपका इंक्रीज इन द साइज ऑफ, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड न्यूक्लियोप्लाज्म की वॉल्यूम इंक्रीज होती है, तो
सरफेस जो होता है सरफेस यानी आउटर मेम्ब्रेन, ये उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाती है आफ्टर वन लिमिट, एक लिमिट के बाद में फिर वो क्या करती है, वो सेल फिर उस समय उसके बाद क्या होता है, सेल डिवाइड जाता है। तो दो थियरी है आपको, कर्न प्लाज्मा थियरी एंड सरफेस वॉल्यूम थियरी। कर्न प्लाज्मा थियरी में साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पा रहा इसलिए सेल डिवाइड होता है। सरफेस वॉल्यूम थियरी क्या कहती है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इंक्रीज हो रहे वॉल्यूम में, तो ये सरफेस जो होता है आउटर मेम्ब्रेन वो उसको क्या करती है, सस्टेन नहीं कर पाती उस प्रेशर को, और इसके बाद में सेल क्या करता है, डिवाइड कर जाता है। ये दो थियरी मेन है। ओके ठीक है, ओके सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ओके सो नाउ विल कम टू दी तो आपको पता चल गया कि अभी सेल कैसे डिवाइड होता है, क्यों डिवाइड होता है ये पता चल गया। तो अब सेल क्यों डिवाइड होता है, तो उसके बाद हम लोग आते हैं कि भाई सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा, सेल साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या है बच्चों, तो सेल क्या करता है, पहले सेल सेल क्या करता है, तो सेल क्या करता है, अपने जो भी सेल को डिवाइड होने के पहले उसकी तैयारी करनी है, तो क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को भी डबल करेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये 2n नंबर है तो उस पर 2n 2n आना चाहिए माइटोसिस में, और मियोसिस है तो ln आना चाहिए, दो बार डिवाइड करना है इसको, राइट है ना, दो बार डिवाइड करना है, ये है माइटोसिस और ये है मियोसिस, क्लियर है। मतलब क्या होता है, सेल के जीनोम को क्या करना पड़ता है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कम ज्यादा करना पड़ता है, कम ज्यादा करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है, राइट है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सेल के जीनोम के लिए जो मटेरियल लगेंगे वो सिंथेसाइज करना, उसको सिंथेसाइज करता है सेल, और उसके बाद में उसको जो बाकी के जो ऑर्गेनल्स है, बाकी का जो प्रोटोप्लाज्म है उसको क्या करना, उसको सिंथेसाइज करना, उसको नया से और बनाना है, और उसके बाद वो क्या करता है, डिवाइड करता है। सो ये जो इवेंट होते हैं ना, ये जो इवेंट होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। ये जो इवेंट होते हैं, जो ये सिक्वेंशियल इवेंट है, सिक्वेंशियल है वन बाय वन, एक के बाद एक इवेंट आता है ये, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिक्वेंशियल इवेंट। सो व्हाट इज सेल साइकिल, सेल साइकिल इज व्हाट, सेल साइकिल का अगर हम लोग देखेंगे तो डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे, सो द सिक्वेंशियल इवेंट्स, द सिक्वेंशियल इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन सेल, द सिक्वेंशियल इवेंट दैट टेक प्लेस इन द सेल इन विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, इन विच द सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम एंड फॉर्म द ऑर्गेनेल्स, फॉर्म द ऑर्गेनेल्स and distribute its material in the daughter cell, so it is called as the, it is a sequential event that takes place in which the cell duplicates its genome, then apne duplicates karta genome ko और उसके ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करता है, फॉर्म द नए नए ऑर्गेनल्स फॉर्म करता है एंड डिस्ट्रीब्यूट द मटेरियल, उसके बाद अपने पूरे मटेरियल को क्या करता है, दो डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल, राइट है। तो सेल साइकिल में कितने पार्ट्स होते हैं, सेल साइकिल अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसका आपने ये कर लो स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके सो व्हाट इज सेल साइकिल, तो बेसिकली अगर हम लोग सेल साइकिल बच्चों देखेंगे, तो सेल साइकिल में दो मेन फेजेस होते हैं, पहला है इंटरफेज एंड सेकेंड इज इंटरफेज के बाद एम फेज, ठीक है।
ना इंटरफेज में कितने फेजेस होते हैं? एक होता है जीवन फेज, एस फेज एंड जी टू फेज। एम फेज में क्या होगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इसको याद कैसे रखते हैं? पुराना मैं, पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज, टी फॉर टेलोफेज। ओके, सो दीज आर द फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। सो नाउ विल टेक वन बाय वन, अलग अलग जो फेजेस है उसको हम लोग लेते हैं, सो अब ये जो हम लोग फेजेस हम लोग देख रहे हैं, अब इसको हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सो सेल साइकिल, इफ यू टेक द सेल साइकिल, मेरी डायग्राम थोड़ी कच्ची है, ओके। तो सेल साइकिल में एक फेज होता है आपका एम फेज, जीवन फेज, एस फेज एंड जी टू फेज। ओके, तो ये है बच्चों जीवन फेज, दिस इज जीवन फेज, दिस इज एस फेज, दिस इज जी टू फेज एंड दिस इज एम फेज। बच्चों यहां से यहां तक जो जीवन से लेके आपका पूरा एस और जी टू, ये पूरा जो फेज है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, ये पूरा इंटरफेज। तो इंटरफेज अगर हम लोग देखेंगे ना, तो इंटरफेज अराउंड सेल साइकिल का 90% 95% है। तो इंटरफेज बच्चे लोग ना, पहले इसको बोलते थे इंटरफेज को, इट इज अ रेस्टिंग फेज, लेकिन ये रेस्टिंग फेज नहीं होता। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप लोग स्टडी कर रहे हो, पूरा थ्रू आउट द ईयर स्टडी करोगे और विद इन यानी 7 डेज में या 5 डेज में आप अपने एग्जाम को दे देते हो, यानी जो फाइनल एग्जाम होता है 7 दिन या 10 दिन में हो जाता है कम्प्लीट। तो आपने क्या किया, पूरे साल भर 365 डेज पढ़ाई किया, यानी 355 डेज पढ़ाई किया और बाकी के लास्ट के 10 दिन में आपने एग्जाम दे दिया, राइट है ना। यानी कि आपने प्रिपरेशन कितना किया, तो आपने प्रिपरेशन तो बहुत किया, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि आप तो आराम कर रहे हो, आप तो रेस्टिंग पीरियड में हो। नहीं, लेकिन आप लोग क्या करते हो, पढ़ते रहते हो थोड़ा थोड़ा, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो, यानी कि आप लोग बहुत ही एक्टिव हो उस समय। उसी तरह से सेल भी क्या है, पूरी तरह से एक्टिव होता है लेकिन दिखता है कि उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बट ये सेल कौन से फेज में रहता है, ये हाईली एक्टिव फेज में होता है। इंटरफेज में सेल क्या होता है, हाईली एक्टिव फेज में होता है, क्लियर है ना। तो ये हाईली एक्टिव फेज में होता है इंटरफेज, ओके। इसलिए 95% उसका प्रिपरेशन होता है, इसीलिए इंटरफेज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज। इंटरफेज इज नथिंग बट अ प्रिपरेटरी फेज, इट्स अ प्रिपरेटरी फेज, ओके। सो इट्स अ प्रिपरेटरी फेज, ओके। सो ये प्रिपरेटरी फेज है, ये प्रिपरेटरी फेज है, यानी यहाँ पे सेल क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, राइट, ओके। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन इसको, ये आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, राइट है। अच्छा, अगर हम लोग देखेंगे कि ये, अगर हम लोग टाइम की ही बात कर रहे थे, तो टाइम में अगर देखेंगे तो बच्चे लोग कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल का जो डिवीजन टाइम है, यानी 24 आवर्स में सेल डिवाइड करता है। ईस्ट जो होता है वो 90 मिनट्स में करता है, ये बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है। एंड देन बैक्टीरिया जो सेल है ये 20 मिनट्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम है, सबसे बड़ा फेज अगर इसमें देखा जाएगा ना, तो सबसे बड़ा फेज कौन सा है, जीवन फेज। यानी अप्रोक्सीमेटली ये वाला जो फेज होता है ये अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स लेता है, ये अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स लेता है। उसके बाद में, और ये देखो ये वाला एम फेज तो सिर्फ 1 आवर ही लेगा, ये एक ही घंटे के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो दूसरा फेज है वो कौन सा, ये फेज है, ये टोटल 9 आवर्स लेता है, 9 आवर्स लेता है। और उसके बाद में देखो कितना बच गया, अराउंड 20, यानी ये वाला फेज कितना लेगा, ये 4 आवर्स तक लेता है, ओके।
तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स लेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 9 आवर्स। तो आपको कभी कभी पूछा जाता है विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, यानी अगर लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल बोला तो उसमें याद रखना कि अगर उसने क्या दिया है, अगर G1, S, G2 और M फेज दिया है तो विच इज द लॉन्गेस्ट, G1। अगर उसने दिया इंटर फेज, M फेज, उसके बाद और कुछ दो ऑप्शन और दे दिए, तो याद रखना आपको क्या रहेगा, इंटर फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। अच्छा, अब इस फेज में क्या होता है और इसके अलग अलग नाम क्या है। तो बच्चों अभी G1 फेज, G1 मतलब क्या, G1 यानी फर्स्ट ग्रोथ फेज। G1 का अगर नाम हम लोग लेंगे तो G1 को हम लोग क्या बोलते हैं, G1 फेज को दूसरा नाम हमारा क्या है, इसका दूसरा नाम है फर्स्ट ग्रोथ फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, देखो माइटोसिस के बाद में है तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज, यानी माइटोटिक के बाद में इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज, या तो हम लोग इसको और भी बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज, फर्स्ट गैप फेज, ठीक है। कभी कभी आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है पोस्ट माइटोटिक फेज, इसमें कंफ्यूजन होता है ना ये वाला, इसमें तो आप लोग को ये पूछा जाएगा, ध्यान देने का, पोस्ट मतलब बाद में है, बाद में यानी इसके बाद में, एम फेज के बाद में। नेक्स्ट आता एस फेज का दूसरा नाम, अभी एस फेज का क्या नाम बोलते हैं इसको, ठीक है, एस फेज, इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एम्स हो चाहे नीट हो सबका फेवरेट क्वेश्चन इसी फेज में से आता है, एस फेज में से आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज, ठीक है। अच्छा, ये जीवन का और एक आता है, देखो सिंथेसिस के पहले वाला है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री सिंथेसिक फेज, प्री सिंथेसिस फेज, प्री सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसी के जैसा यहाँ पे आएगा G2 फेज में, तो अगर आप लोग G2 फेज लोगे तो यहाँ पे इसका नाम क्या आ गया, G2 फेज का नाम आ गया, पहला ये पहला है, ये सेकेंड है, तो सेकेंड ग्रोथ फेज, देन इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ग्रोथ फेज है, माइटोसिस के पहले है तो प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज, उसके बाद में ये सेकेंड गैप फेज भी बोल सकते हैं इसको, सेकेंड गैप फेज, ठीक है। और हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सिंथेसिस के बाद में है तो पोस्ट सिंथेसिस फेज, ठीक है ना, तो पोस्ट सिंथेसिस फेज। तो इस तरह से इसके नाम है। तो चलो अच्छा देखते हैं इसमें कई चेंजेस क्या होते हैं, इसमें चेंजेस क्या होते हैं। तो G1 फेज में क्या क्या चेंजेस होगा, G1 फेज में बच्चे लोग पहले क्या देखो, मेन सेल का क्या है कि उसके जो डीएनए होता है उसका जो डीएनए डुप्लीकेट्स करना है, डीएनए का डुप्लीकेशन करना है, डबल करना है, तो वो इस फेज में होने वाला है। तो उसी फेज में अगर इस फेज में ये होने वाला है तो इसका जो प्रिपरेशन होगा यहाँ होगा, उसी तरह से जो एम में होगा उसका प्रिपरेशन G2 में होगा, ठीक है। ये दोनों मेन प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे होगा आरएनए, प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन लगेगी जो इसको रिक्वायर्ड है, तो आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस होगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या होगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहाँ पे, क्लियर है, एटीपी मॉलिक्यूल्स और जनरेट होंगे यहाँ पे, तो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहाँ पे। और क्या होगा, यहाँ पे ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है बच्चों, डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है, राइट है। एस फेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज, एस फेज में क्या होगा, यहां पे होगा डीएनए डुप्लीकेशन, यानी डीएनए अमाउंट डबल हो जाएगा, देन क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, और क्या होगा, सेंट्रीओल डुप्लीकेशन, और इसमें और एक चीज क्या होगा, और होगा हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन, यहां पे हिस्टोन प्रोटीन भी बनेगी, राइट है। G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में अभी यहां पे जो चीज चाहिए, तो यहां पे भी आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस यहां पे भी होगा, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स के डुप्लीकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो डुप्लीकेट्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो मेन यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, मेन फेज में कौन सा है, एस फेज है, एस को जो चाहिए वो यहाँ से मिलता है, और उसके बाद में ये,
ठीक है, ये दो चीजें आपको समझी। उसके बाद में आपका आता है एम फेज, राइट है। इसको आप कॉपी कर लीजिए क्योंकि मुझे और कुछ पढ़ाना है इसके ऊपर। ओके ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं इसमें बच्चों कि इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो एक टर्म आया आपको कि हिस्टोन प्रोटीन वाला एक टर्म आया। दूसरा आया आपको सेंट्रियोल, मैं उसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि ये आपका सेल है, ये आपकी न्यूक्लियस है। यहाँ पे एक डेंस साइटोप्लाज्मिक एरिया होती है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक एरिया है। और इसी साइटोप्लाज्मिक एरिया में रहता है सेंट्रियोल, ठीक है। यहाँ पे ये जो रेड कलर से दिखाया गया है ये है सेंट्रियोल, और जिसके अंदर सेंट्रियोल रहता है, जिसके अंदर सेंट्रियोल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है, क्लियर, ओके। और इसके अंदर होगा ये न्यूक्लियस, क्लियर, ठीक है। दूसरा आता है कि हिस्टोन प्रोटीन आ रही है, तो हिस्टोन प्रोटीन का क्या मतलब है और क्रोमोसोम्स और क्या है। तो बच्चे लोग याद रखो कि जैसे डीएनए आपका मटेरियल है, डीएनए है, ये डीएनए जो होता है ये क्या करता है, ये प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये डीएनए क्या करता है, वाइंड करता है। ये डीएनए क्या करता है, वाइंड करता है, इसे वाइंडिंग करेगा, इसको इसे वाइंडिंग करेगा, ओके। और ऐसे वाइंडिंग कर करके ये क्या करता है, ऐसे वाइंडिंग कर करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। और यही जो वाइंडिंग होती है इसी वाइंडिंग से बनता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये जो बच्चों ये क्या है, दिस इज डीएनए, ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। ये जो स्ट्रक्चर बना ये तीन थ्रेड, ये क्रोमेटिन है। और ये जो बच्चा है, ये बच्चे लोग, ये है क्रोमोसोम, ओके। सो ये आप ध्यान से देखेंगे। तो इसलिए एस फेज में देखा आपने कि हिस्टोन प्रोटीन बहुत जरूरी है। क्यों हिस्टोन प्रोटीन जरूरी है, क्योंकि डीएनए उसी के ऊपर कॉइल करेगा और फिर क्या करता है, वो क्रोमेटिन मटेरियल से फिर क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर वहीं पे है लेकिन डीएनए अमाउंट डबल होता है, डीएनए अमाउंट डबल हो रहा है। तो डीएनए को बनाने के लिए, डीएनए को वाइंडिंग करने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे और क्या लगेगा, हिस्टोन लगेगा, ठीक है। तो इसलिए वो प्रोटीन बन रही थी जीवन फेज में, राइट है। तो ये आप समझ चुके हैं इसको। सो अब हम लोग वापस सेल साइकिल में आते हैं, वापस हम लोग सेल साइकिल में आते हैं। तो बच्चों सेल साइकिल में अगर देखेंगे फिर से हम लोग, तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो कंट्रोल वाला जो सिस्टम चीज है वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे ठीक है, ये हो गया एम फेज, ये है जीवन, ए एस है और ये जी टू है, राइट। सो जीवन फेज में और एस फेज में अभी हमने क्या पढ़ा कि अमाउंट जो डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। अब डीएनए का डुप्लीकेशन मतलब समझो बच्चों, ये क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। अब यहां से ये क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो रहा है, क्रोमोसोम क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन। अब एक क्रोमोसोम में मतलब ये जो है एक क्रोमेटिड है, यहाँ पे एक क्रोमेटिड, यहाँ पे कितनी हो गई, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर हम लोग देखेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बच्चों देखोगे तो यहाँ पे पहले वाले इसमें वन है और दूसरे वाले में, पहले वाले में वन है, राइट है, दूसरे वाले में नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कितना है, वन ही है, ठीक है। और उसके बाद में अगर क्रोमेटिड्स देखेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितनी है, दो है क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, मैं इसको थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, अच्छा क्रोमेटिड कितना है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे क्रोमेटिड कितनी है, टू है, ठीक है।
यहाँ पे क्रोमेटिन कितनी 2 है। अब एक चीज समझो, ये डीएनए था, ये डीएनए था, अब डीएनए का अमाउंट क्या हो गया, डबल। यानी कि अगर सेल यहाँ पे, अगर सेल यहाँ पे इस सेल के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और 2c अमाउंट ऑफ डीएनए है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ क्या है, ए नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और ये क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए। तो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्रोमोसोम किससे काउंट करते हैं, मालूम है, ये जो बीच का है ना, बीच का ये सेंट्रोमियर बोलते हैं इसको, ये सेंट्रोमियर से काउंट करते हैं कि जितना सेंट्रोमियर रहेगा उतना क्रोमोसोम, यहाँ पे भी एक ही सेंट्रोमियर है, यहाँ पे भी एक ही सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतना ही रहेगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे भी उतना है, यहाँ पे भी उतना रहेगा, यहाँ पे भी उतना ही रहेगा, ठीक है। बट अमाउंट ऑफ डीएनए का अमाउंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। देखो यहाँ पे सिंगल था तो डबल हो गया, तो अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे 4c हो जाएगा, यहाँ पे भी 4c हो जाएगा। लेकिन एम फेज में देखोगे, एम फेज में 2n और 4c यहाँ पे स्टार्ट तो होगा, लेकिन अब क्या होगा, डीएनए क्या होता है, आपको मालूम है कि क्रोमोसोम्स क्या होंगे, क्रोमोसोम सेपरेट होते एक दूसरे से, माइटोसिस में सेपरेट होंगे, तो सेपरेट होंगे तो एट द एंड ऑफ द एम फेज का जब एंड होगा, जब एम फेज, तो एंड ऑफ एम फेज क्या हो जाएगा, 2n एंड 2c, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, ये कब होगा, एट एंड ऑफ एम फेज, जब पूरा माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा तब, और ये कब होगा, बिगिनिंग ऑफ एम फेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इनका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन यही है इसमें, मेडिकल एग्जाम में, कि अमाउंट ऑफ डीएनए, इसमें कोई अलग अलग सवाल पूछेंगे, यहाँ पे अगर कुछ दे दिया, एक एन नंबर और 2c दिया हुआ है तो कितना होगा, यहाँ पे एस फेज में g2 में कितना होगा, बिगिनिंग ऑफ एम फेज में कितना होगा और एट द एंड ऑफ द एम फेज कितना होगा। एंड में क्यों होगा, क्योंकि अमाउंट ये टूट जाएगा, ये एम में क्या होगा, ये जो है, ये देखो ये है ऐसे, ये जब ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, देखो दो सेल के पास ये चला जाएगा इसके पास, ये चला जाएगा इसके पास, तो यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतना ही रहेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए देखो क्या हो गया, वापस 2c पे आ गया, राइट है ना, तो इसलिए 2n 2c रहेगा, ओके, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग जाते हैं कि कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, ओके। सो सेल साइकिल को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ऑब्वियसली क्योंकि ये क्या है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड सिस्टम है, अगर सेल साइकिल को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो सेल साइकिल क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड अगर सेल साइकिल हो गया तो वही क्या फॉर्म करता है, ट्यूमर फॉर्म करता है, कैंसर फॉर्म करता है, ठीक है। तो सेल साइकिल हमेशा होना चाहिए कंट्रोल्ड। तो ये सेल साइकिल को कंट्रोल कैसे करेंगे, सेल साइकिल को कैसे कंट्रोल करना, किस तरह से कंट्रोल होता है वो, तो याद रखो बच्चों, सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए, द कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ द सेल साइकिल, फर्स्ट इज व्हाट, कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ सेल साइकिल, तो उसमें जो कंट्रोलिंग ये है, पहला तो है, इसको हम लोग बोलते हैं माइटोजेंस, क्या है ये, माइटोजेंस, कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ द सेल साइकिल में माइटोजेंस है जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कौन कंट्रोल करता है, माइटोजेंस कंट्रोल करते हैं, माइटोजेंस, ओके। तो माइटोजेंस कंट्रोल करते हैं, कौन है वो, एक है साइक्लिन, दूसरा है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये बच्चों एंजाइम है और ये प्रोटीन है, ओके। देन और क्या है, जैसे प्लांट के अंदर क्या है, साइटोकाइनिन हार्मोन है और क्या है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स है और क्या है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है,
दीज आर दी केमिकल्स, हॉर्मोन्स है, एंजाइम्स है, जो क्या करते हैं इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करते हैं, तो अभी सेल साइकिल को कंट्रोल कहां कहां पे होता है, उसका क्या क्या चेक पॉइंट है, उसका चेक पॉइंट क्या है, उस चेक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चेक पॉइंट को हम लोग देखते G1, S, G2, M। तो पहला जो बच्चों चेक पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पे बिटवीन G1 एंड S, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट चेक पॉइंट, और यहाँ पे आता है सेकेंड चेक पॉइंट। ओके, यहाँ पे कौन सी साइक्लिन काम करती है, यहाँ पे जो साइक्लिन काम करती है उसको हम लोग बोलते हैं जीवन साइक्लिन। जीवन साइक्लिन यहाँ पे काम करती है, और यहाँ पे कौन सी साइक्लिन काम करती है, एम साइक्लिन काम करती है। ओके, अच्छा याद रखो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट विच स्टेज, एट इफ अ सेल एंटर्ड इन, उसमें पूछा जाता है कि इन विच स्टेज इफ द सेल एंटर्स द सेल साइकिल, सेल डिविजन इज कंपल्सरी। किस कौन से सेल साइकिल में, कौन से साइकिल में, कौन से फेज में अगर सेल एंटर किया तो सेल साइकिल कंपल्सरी उसको करना ही है, उसको डिवीजन करना ही करना है। तो याद रखो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट फेज कौन सा, एस फेज, यानी जीवन से अगर सेल एंटर कर गया एस में, जीवन से अगर एंटर कर गया एस में तो सेल को कंपल्सरी डिवाइड करना ही करना है। अगर वो यहाँ पे डिवाइड नहीं करेगा तो उसका जीनोटाइप, आपको पता है यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाता है, डीएनए अमाउंट डबल हो जाएगा, अगर डिवाइड नहीं किया तो सेल अलग टाइप का सेल बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सेल को डिवाइड करना कंपल्सरी बन जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि सेल का जीनोम जो हो गया, डीएनए अमाउंट हो गया, वो डबल हो जाता है, ठीक है। अगर वो डिवाइड नहीं करेगा तो डबल होगा, उसके बाद उसका लेवल बढ़ते जाएगा। हम लोग 12th में सीखेंगे अगर ऐसे स्टेजेस आते हैं तो किस तरह का सेल बनता है वो, ठीक है। तो इस तरह से सेल में दो चेक पॉइंट होते हैं, मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उसका फॉस्फोराइलेशन जो है उसमें से फॉस्फेट कैसे निकलता है, एटीपी मॉलिक्यूल कैसे जुड़ता है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है वो, तो मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे दो जगह कंट्रोल है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, G1 और S के बीच में, G2 और M के बीच में, यहाँ पे G1 साइक्लिन काम करती है और यहाँ पे M साइक्लिन काम करती है, ठीक है। तो ये दीज आर दी फैक्टर्स विच कंट्रोल दी सेल साइकिल, ये कंट्रोल करते हैं सेल साइकिल को, और इसको हम लोग बोलते हैं माइटोजेंस, दीज ऑल आर माइटोजेंस, ये सब माइटोजेंस है, ओके, ठीक है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि सेल क्यों डिवाइड होता है और सेल कैसे डिवाइड होता है, सेल कैसे डिवाइड होता है उसके पहले हमने पढ़ा क्या प्रिपरेशन होता है, सेल कैसे डिवाइड होता है उसका मतलब एम फेज होता है, ठीक है ना। तो एम फेज को हम लोग बोलते हैं कि एम फेज में सेल डिवाइड होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको एम फेज नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट और फेज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं G0 फेज। तो व्हाट इज G0, या तो क्यूसेंट फेज, G0 या तो क्यूसेंट फेज, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। सो व्हाट इज G0 और क्यूसेंट फेज, तो G0 और क्यूसेंट फेज क्या है कि सपोज इट इज अ सेल साइकिल, ये सेल है, यहाँ पे आपका एम फेज है, यहाँ पे G1 है, यहाँ पे S है, और यहाँ पे आपका G2 फेज है। तो आपको याद है कि यहाँ से सेल ने डिवाइड करना स्टार्ट किया, सेल यहाँ से डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे डिवाइड होके सेल यहाँ पे उसने क्या फॉर्म कर दिया, टू सेल फॉर्म कर दिया, राइट है ना, यानी एक सेल था उसने डिवाइड होके यहाँ पे उसके पास दो सेल बन गए, राइट है, दो सेल बन गए। तो अब ये स्टेज होता है, इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं ये G0 स्टेज या G0 फेज है, ठीक है, या क्वेश्चन फेज। इसका मतलब क्या कि ये वाला फेज जो है ना, इसमें सेल इंटरफेज में ही रहेगा, इंटरफेज में रहेगा, यानी स्टार्ट होगा या एंड होगा, इंटरफेज में रहेगा सेल। अब इंटरफेज में G0 सेल है, इसका मतलब क्या हुआ, एक सिंपल सा मैं बता रहा हूं कि ये सपोज घर है, ये घर है, ये तो अब एक इंसान, एक बच्चा या इंसान घर से निकल रहा है, तो उसके पास कितने ऑप्शन होते हैं,
यानी अभी तो देखो घर से निकल गया ना, ये तो साइकिल से निकल गया, अब ये सेल साइकिल के बाहर है ये जी जीरो स्टेज में। तो ये जी जीरो स्टेज में सेल के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यानी अगर मैं घर से बाहर निकल जा रहा हूँ तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी। पहला, मैं तुरंत घर में आ जाऊँ, राइट है, मैं घर में आ जाऊँ। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं घर में ही नहीं आऊँ, मैं कहीं और चले जाऊँ, वहाँ पे अपना घर बनाऊँ, दूसरा घर बनाऊँ और वहीं पे रहूँ, राइट, यानी एक अलग लाइफ स्टाइल में लाइफ जीऊँ मैं। तीसरा, मैं जाऊँ कुछ दिन के लिए, 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे, कितने भी, 1 दिन 2 दिन महीने भर, उसके बाद वापस आ जाऊँ, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है। पहला ये क्या है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि री एंटर, री एंटर कहाँ पे, सेल साइकिल। तो सेल के पास क्या है कि सेल साइकिल में वापस री एंटर कर जाए, ओके। दूसरा, टेक रेस्ट फॉर फ्यू आवर्स और few days and then enter into sales cycle। और third possibility क्या है उसके पास, third possibility है G0 stage में sale के पास, third possibility क्या है कि never enter in sales cycle but differentiate into another sale, okay। तो अब ये इसका एग्जाम्पल है, नेवर वाला जो है ना, इसका एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का। एक होता है नर्व से या न्यूरॉन्स बोलते हैं जिसको, और दूसरा है हार्ट मसल से, हार्ट मसल से, ये दोनों सेल डिवाइड नहीं करते। अच्छा, अब इसकी मीनिंग समझो, इसका मीनिंग होगा कि ये सेल क्या करेगा ना, यहाँ से वापस डिवाइड करने के लिए जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, या तो कुछ दिन के लिए बाहर रहेगा और उसके बाद वापस डिवाइड करेगा। तीसरा, निकल गया बाहर, उसके बाद कभी नहीं आएगा वापस, वो नया सेल बन जाएगा, नया सेल में डिफरेंशिएट हो जाएगा, यानी वो जो एम्ब्रियोनिक सेल था उसका, जो उस सेल से एक ऐसा सेल बना देगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, टू चेंज इनटू द साइज एंड द शेप ऑफ द सेल टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल क्या करेगा, पूरा तरह से चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं जी जीरो स्टेज, राइट, थर्ड स्टेज, यानी इसमें तीसरी पॉसिबिलिटी है। ऐसा कौन होता है, नर्व सेल या न्यूरॉन्स और हार्ट सेल। तो न्यूरॉन्स और हार्ट सेल जो ऐसे होते हैं कि एक बार सेल बन गए तो हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए वो इंटरफेज में रहते हैं, वो वापस डिवाइड नहीं करते, वापस डिवाइड नहीं करते, ठीक है। तो उसका सेल डिविजन नहीं होता। लेकिन अब ये सेल डिवाइड क्यों करता है बच्चों, अगेन तो बॉडी के रिक्वायरमेंट के ऊपर है, क्यों डिवाइड कर रहा है, यानी सपोज आपकी इंजरी हो गई, यहाँ से टिश्यू निकल गया, इसके सेल निकल गया, तो क्या करेगा सेल, वहां पे अभी रेस्टिंग फेज में, जी जीरो फेज में है, लेकिन अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ना, तो वो क्या करेगा, डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, दूसरे वाले सारे सेल्स क्या करेंगे, वो जैसे स्किन का सेल क्या करेगा, वापस एंटर करेगा, वापस सेल डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे जब तक कि यहाँ का घाव भर नहीं जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी जीरो स्टेज। आई होप मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, सबको समझा है, ओके। तो इस तरह से जी जीरो स्टेज होता है और उसकी 3 पॉसिबिलिटी होती है, ओके, क्लियर है बच्चे लोग। तो इसी को हम लोग क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं, निशान स्टेज है, यानी इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटी के हिसाब से सेल करते हैं। तो आप लोग वीडियो देखिए, अच्छी तरह समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में उनको बताइए। आई होप देखो इसमें आप इसके हिसाब से आप अगर एम्स के क्वेश्चन या पीएमटी आपके नीट के क्वेश्चन इस जी इसके ऊपर सेल साइकिल के ऊपर डिपेंड जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे उसके बाद हर एक क्वेश्चन का आंसर आप गारंटी के साथ दे सकते हो, ओके। तो बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा वीडियो लेंगे जिसमें हम लोग माइटोसिस के बारे में सीखेंगे, ओके, गुड बाय।